रादौर से गुजर रहे सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे पर लंबे समय के बाद ही सही लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क पर पीला पंजा चलवाकर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। विभाग की इस कार्रवाई से स्थानीय दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल इस हाईवे मार्ग पर दुकानदारों द्वारा सड़क मार्ग से ऊंचे थड़े बनाए जाने से बरसात के समय पानी की निकासी न होने के चलते यह सड़क मार्ग लगातार खस्ता हालत हो रहा था। लोक निर्माण विभाग के जेई जिले सिंह ने बताया कि सड़क मार्ग की चौड़ाई करीब 121 फुट है, लेकिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे बड़े बड़े चबूतरे बनाकर कब्जा किया हुआ था, जिससे बरसात के वक्त पानी सड़क पर जमा हो जाता था। इसलिए विभाग द्वारा अब सड़क के दोनों ओर 10-10 फुट की जगह को समतल किया जा रहा था, ताकि बरसाती पानी इस जगह पर इकट्ठा हो सके और सड़क को कोई नुकसान न हो। वहीं उन्होंने कहा कि नगरपालिका द्वारा भी विभाग से सड़क के दोनों साइड टाइलिंग करवाने के लिए NOC मांगी है, ताकि बरसाती पानी सड़क पर जमा न हो और टाइल्स पर जमा होने से सड़क क्षतिग्रस्त होने से बच सके। सभी दुकानदारों ने ऊंचे ऊंचे चबूतरे थड़े बना के दुकानों के आगे और सड़क तक ले आए हैं हमारी, तो इनका बरसात का जैसे पानी बरसात आती है, सारा ऊंचा थड़ों से पानी बहता हुआ सड़क पे आ जाता है और सड़क टूट जाती है, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो हमारी सड़क की जगह लगभग 121 फुट है यहाँ पे, तो हमने ना अपनी सड़क के साथ साथ 10-10, 12-12 फुट के बरम जो हैं इनको हम लेवलिंग करा रहे हैं, ताकि सड़क बची रहे और जो पानी है वो बरम पे ही रहता। जो नगरपालिका रादौर है, इन्होंने हमारे से डिपार्टमेंट से PWD से NOC मांग ली है। वो कह रहे हैं भाई हम ना 7-8, 8-10 फुट इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक लगा देंगे, आप हमें NOC दे दो। तो हम उनको NOC दे देंगे, 8-8, 10-10 फुट सड़क के एज से वो इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक लगा देंगे, ताकि सड़क पे पानी ना आए। रादौर से लाजपत राय, ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं। And press the bell icon. Never miss an update.